हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 23 जुलाई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 जुलाई 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलिए बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, कंप्यूटर में सभी अंकगणित और तार्किक गणनाएं कौन करता है? तो ये अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट के द्वारा की जाती है। ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर्स में होता था? सेकेंड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब होता था, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में सेमीकंडक्टर चिप्स का और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह का। एक बाइट में कितने निबल होते हैं? तो एक बाइट में दोस्तों 2 निबल होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होता है, ठीक है, और 4 बिट बराबर होता है 1 निबल। तो इस प्रकार से 1 बाइट बराबर हो गया 2 निबल, ठीक है, क्योंकि 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। चलिए अगला, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट ने किया था। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में कई स्टूडेंट ने आंसर किया था बहुत ही अच्छे से। आज फिर कंप्यूटर के क्वेश्चन लिए गए हैं, तो इस प्रकार से दोस्तों कंप्यूटर आपका तैयार कराया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों UP SSC का मॉक टेस्ट आया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत ये मॉक टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है आपके लिए। 20 मॉक टेस्ट की ये सीरीज है, सिर्फ और सिर्फ 99 में आपको मिल जाएगा। UPPET99 आपको कूपन कोड यूज करना है इसके लिए। एक मॉक टेस्ट फ्री दिया गया है, तो डेमो भी आप जाकर के सॉल्व कर सकते हो, इसके बाद डिसीजन ले सकते हो। हर एक मॉक टेस्ट का हर एक क्वेश्चन दोस्तों डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है और बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग दोस्तों सेक्शन वाइज करके ही दिया गया है। हर एक सब्जेक्ट को कवर किया गया है, जैसे जैसे जो जो क्वेश्चन जहां जहां से पूछा जाना है वहां वहां से क्वेश्चन लिए गए हैं। क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम बचा है UPPET के एग्जाम को, ऐसे में डेली आपको एक मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करना चाहिए। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का दिन का पहला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 2032 में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला है। अब इसकी घोषणा किसने की है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। तो ओलंपिक कमेटी के द्वारा अब ये घोषणा किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में होगा। कहाँ पर होगा? ब्रिस्बेन शहर में। अच्छा, इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया दोस्तों 2 बार मेजबानी कर चुका है। कौन कौन सी मेजबानी किया है? 1956 में मेलबर्न में किया था और 2000 में सिडनी में किया था। तो मेलबर्न और सिडनी दो इसके अलग से शहर हैं और ये तीसरा शहर हो गया ब्रिस्बेन। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया दोस्तों एक और रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के 3 ऐसे शहर हैं जहां पर ओलंपिक हुआ होगा, यानी जब 2032 में ये ब्रिस्बेन में आयोजित हो जाएगा तो फिर ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश बन जाएगा जहां पर उसके 3 शहरों में ओलंपिक का आयोजन हुआ होगा। ऐसा करने वाला ये दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा, इससे पहले ये अमेरिका कर चुका है, ठीक है। अमेरिका में भी 3 शहरों में आयोजित हो चुका है, वो एकमात्र देश है अभी। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की हम लोग बात करेंगे। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया इससे पहले 2000 में किया था, सिडनी में हुआ था ओलंपिक, उसका आयोजन किया था। उससे पहले 1956 में किया था। अभी वाला ओलंपिक कहाँ पर हो रहा है? टोक्यो ओलंपिक है। आज 23 जुलाई है, आज से शुरू हो चुका है टोक्यो ओलंपिक। और टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों अभी तक का रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया है इस पर मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ओलंपिक से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। चलिए, ये वाला तो टोक्यो ओलंपिक हो गया। इसके बाद कौन सा होगा? टोक्यो ओलंपिक के बाद होगा पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक कब होगा? 2024 में होगा, क्योंकि 4-4 सालों की गैपिंग पर होता है। इसके बाद 2028 में होगा, लॉस एंजल्स में होगा। फिर अब 2032 वाला घोषणा हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। कौन कौन सा संस्करण होगा इसको भी ध्यान रखिए। तो देखिए, अभी वाला जो चल रहा है ये 32वां संस्करण है। इसके बाद 33वां संस्करण पेरिस होगा, 34वां संस्करण लॉस एंजल्स होगा और 35वां संस्करण होगा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक और पैरालंपिक, ओलंपिक जब भी होता है उसके जस्ट बाद वहीं पर होता है पैरालंपिक, क्लियर। चलिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाख जी। 2013 से ही इसके अध्यक्ष बने हुए हैं, क्लियर बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने तीसरी पीढ़ी की MPATGM मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, थर्ड जनरेशन की MPATGM यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है।
ये तीसरी पीढ़ी का है दोस्तों, और एक शॉर्ट रेंज की, एक छोटे रेंज की स्वदेशी रूप से डेवलप की गई ये मिसाइल है, ठीक है, थर्ड जनरेशन की, डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है। MPATGM का फुल फॉर्म यहाँ पर देख लीजिए, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंटी टैंक का मतलब होता है जो टैंक वगैरह होते हैं दुश्मनों के, उनको अगर तबाह करना होता है, कोई बंकर होते हैं उनको अगर तबाह करना होता है, तब एंटी टैंक मिसाइलों का यूज किया जाता है, ठीक है। मैन पोर्टेबल का क्या मतलब होता है, किसी मैन के द्वारा भी इसे पोर्टेबल किया जा सकता है, ठीक है। डीआरडीओ ने इसको बनाया है, डेवलप किया है। डीआरडीओ के बारे में बात करें तो 1 जनवरी 1958 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी। डीआरडीओ दोस्तों भारत की ऐसी संस्था है जो डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स वगैरह बनाया करती है, तो डीआरडीओ अक्सर चर्चे में भी रहता है। तो डीआरडीओ से रिलेटेड पिछले जो क्वेश्चंस आए थे उनको भी आपको याद करना है। देखिए अभी डीआरडीओ ने दोस्तों AICTE, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसके साथ मिलकर के घोषणा की कि वो अब रक्षा डिपार्टमेंट में एमटेक की डिग्री भी शुरू करने जा रहा है, यानी डिफेंस सेक्टर में भी अब एमटेक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद डीआरडीओ और LNT ने, यानी कि लार्सन एंड ट्रूबो ने, भारतीय सेना के लिए मिलकर के एक 10 मीटर की ब्रिजिंग सिस्टम बनाया था। इसके बारे में मैंने आपको बताया था ना कि 10 मीटर चौड़ी अगर कोई खाई होगा तो इसको ये पार कर जाएगा आराम से, इस ब्रिजिंग सिस्टम के द्वारा सेना की गाड़ियां वगैरह सब क्रॉस करेंगी। अग्नि प्राइम मिसाइल भी याद रखना है आपको, अग्नि प्राइम मिसाइल का भी परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा ही किया गया है। ये भी एक छोटी, या कहें कि अग्नि 1 टाइप की मिसाइल की रेंज वाली ये मिसाइल थी, अग्नि प्राइम मिसाइल, इसको अपग्रेड किया गया। इसने अभी हाल ही में निर्भय नाम की सब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है। निर्भय जो है इसकी रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास होती है, ठीक है। तो ये सभी टेस्टिंग जो है डीआरडीओ के द्वारा की जाती है। अगला, विश्व यूनिवर्सिटी शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन किया है दोस्तों श्री M. वेंकैया नायडू जी। भारत के उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू जी ने अभी हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट का आयोजन किया है, इसका उद्घाटन किया है। इसमें ये मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे। इसका आयोजन सोनीपत हरियाणा में हुआ, OP जिंदाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन किया गया है। इस बार की इसकी थीम रखी गई थी यूनिवर्सिटीज ऑफ द फ्यूचर, बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल रिसाइलियंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कम्युनिटी इम्पैक्ट। तो ये थी इस बार की थीम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट की, ठीक है, जो कि आयोजित कहां पर हुआ, सोनीपत हरियाणा में, OP जिंदाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, क्लियर। अगला देखते हैं, पेरू देश के नए प्रेसिडेंट कौन बने, तो पेरू देश के दोस्तों नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, पेड्रो कैस्टिलो। कौन? पेड्रो कैस्टिलो। ये दोस्तों वहां पर राजनीति में पहली बार आए हैं, राष्ट्रपति बन गए हैं ये, अभी इनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन इन्होंने 44,000 वोटों से अपने विपक्षी कीको फुजीमोरी को हरा दिया है। कीको फुजीमोरी, पेरू दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां पर तांबा उत्पादन किया जाता है। अब चलिए पेरू आया है तो पेरू देखते हैं हम लोग वर्ल्ड मैप में है कहां पर। तो सबसे पहले देखिए वर्ल्ड मैप में ये रहा अपना प्यारा भारत, यहां से आएंगे हम लोग दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। तो इधर अफ्रीका महाद्वीप क्रॉस कीजिए, आ जाइए अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। ऊपर है दोस्तों नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, नीचे है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और यहीं पर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पास ही आपको ये देश मिल जाएगा, एक पेरू, ठीक है, ये है पेरू कंट्री। पेरू की राजधानी होती है लिमा। क्या होती है? लिमा होती है LIMA, लिमा होती है यहाँ की कैपिटल। और यहाँ की करेंसी क्या होती है? यहाँ की करेंसी होती है सोल, SOL, सोल होती है यहाँ की करेंसी। अगला देखते हैं, अगला है हैती देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो यहाँ पर देखिए हैती के बारे में बात की गई है, ये भी एक कंट्री है, और यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो हैती के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? एरियल हेनरी। कौन? एरियल हेनरी बन गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर। अभी हम लोग हैती के बारे में भी जानेंगे, वर्ल्ड मैप में देखेंगे इसकी भी लोकेशन। हैती की कुछ बेसिक पॉइंट है, इसको जान लीजिए दोस्तों। हैती में ही अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय भी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, ठीक है। चलिए हैती देखते हैं अब हम लोग दोस्तों वर्ल्ड मैप में। तो वर्ल्ड मैप में देखिए ये रहा अपना प्यारा भारत, फिर से चलेंगे हम लोग वहीं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तरफ। यहाँ पर आ जाइए साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अभी यहाँ पर पेरू के बारे में मैंने आपको बताया, यहीं पर जस्ट आपको यहाँ पर देखिए पोर्टो रिको के पास में आपको एक देश मिल जाएगा, बहुत ही छोटी कंट्री है हैती,
इधर क्यूबा के पास में देखिए, यहाँ पर ये जो कंट्री है ये है हैती, ठीक है। देखिए जमैका के पास में है हैती, क्यूबा, जमैका, पोर्टो रिको, ठीक है, और इधर डोमिनियन रिपब्लिक के पास में। तो हैती ये हो गया। हैती की कैपिटल क्या होती है? पोर्ट ऑ प्रिंस। क्या? पोर्ट ऑ प्रिंस होती है यहाँ की कैपिटल। और यहाँ की करेंसी क्या होती है? गॉर्डे, GORDE, गॉर्डे होता है यहाँ की करेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले को राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार दिया गया? तो अभी हाल ही में कछार जिले को दोस्तों दिया गया है राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार। कछार जिला जो ये है असम का जिला, असम के कछार जिले को दिया गया है ये पुरस्कार। क्यों दिया गया है? वहाँ का गांव जो है उसमें पोषण उद्यान परियोजना के लिए एक परियोजना है पुष्टि निर्भर परियोजना का नाम याद रखिएगा, ये वहाँ का प्रोजेक्ट है और इसी प्रोजेक्ट की वजह से इसको मिला है राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार या कहें नेशनल सिल्वर स्कॉच पुरस्कार। आपने गोल्डन स्कॉच पुरस्कार सुना होगा, ये है सिल्वर स्कॉच पुरस्कार, ठीक है। तो सिल्वर स्कॉच प्राइज या सिल्वर स्कॉच अवार्ड मिला है किसे? असम के कछार जिले को। इस अवार्ड को रिसीव किया है कीर्ति जल्ली ने, जो कि कछार की ही उपायुक्त हैं, ठीक है। कछार जो गांव है दोस्तों ये इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर पड़ता है। असम का एक जिला है और वहां का एक है दीनाथपुर बगीचा, उसी के गांव में दोस्तों घर घर में ये न्यूट्री गार्डन स्थापित करने को लेकर के ये अवार्ड रिसीव किया है। अब असम आया है, असम से रिलेटेड कल भी रिवीजन मैंने आपको कराया था, फिर से आज रिवीजन करते हैं। असम सरकार ने दोस्तों घोषणा की है कि जो लोग राष्ट्रीय खेल पदक जीतेंगे उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। असम सरकार ने असम मवेशी संरक्षण विधेयक लाया हुआ है। असम सरकार ने एक नया विभाग बनाने की घोषणा की है स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए। असम सरकार ने असम रत्न और असम भूषण पुरस्कारों की घोषणा की है, यानी जैसे भारत में दिए जाते हैं ना भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्मभूषण, ऐसे ही यहाँ पर दिए जाएंगे। असम रत्न दिया जाएगा, असम विभूषण, असम भूषण और असम श्री दिया जाएगा पुरस्कार, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको असम से याद रखने हैं। असम देख लीजिए मैप में कहाँ पर है, यहाँ पर है इंडिया के लोकेशन में। बाकी चीज़ें तो आपको बेसिक चीज़ें बार बार आती रहती हैं सामने, तो याद ही होंगी। यहाँ पर दो पॉइंट आपको याद रखना है, रायमोना और देहिंग पटकाई, ये दो नेशनल पार्क नए ऐड हुए हैं असम से। और असम के बाकी नेशनल पार्क की बात करें तो काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग और डिब्रू सखोवा, ये सभी जो हैं ये नेशनल पार्क हैं। कुल 7 नेशनल पार्क हैं असम में। झीलें कितनी हैं? प्रमुख झीलें तो दोस्तों 9 हैं। यहाँ पर कौन कौन सी? हफलोंग, चंडूबी, दिघाली पुखरी, शिवसागर झील, तमरंगा झील, डिगबोई झील, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दीपोर झील, सोनबिल और देहिंग लोक, ठीक है। असम का बिहू लोक नृत्य जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर? बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं, नेचर इंडेक्स द्वारा जारी सामग्री विज्ञान में प्रगति रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन है? तो इसमें टॉप पर है दोस्तों संघाई जियो टोंग विश्वविद्यालय, या कहें संघाई जियो टोंग यूनिवर्सिटी। ये कहाँ की है? संघाई चाइना की है। तो इसमें दोस्तों देखिए इस रिपोर्ट में दो चीज़ें हुई हैं। एक तो पहला ये आपको याद रखना है कि पहला स्थान संघाई जियो टोंग यूनिवर्सिटी का है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये हुई है कि इस बार इस लिस्ट में, क्योंकि ये टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी की गई है, तो इसमें पहली बार ऐसा हुआ है जब जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जो यूनिवर्सिटी है इसको ऐड किया गया है। ये टॉप 50 में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई है। इसको कौन सी रैंक मिली है? 23वीं रैंक मिली है, 23वें स्थान पर है ये ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। तो JNCASR का नाम आपको याद रखना है। अब देखिए आजकल क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि ये रैंकिंग जो है वो जारी कौन किया है, यानी रैंकिंग के जारीकर्ताओं के बारे में ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा नेचर इंडेक्स के द्वारा ये जारी किया गया है रैंकिंग, ठीक है। किसके लिए जारी किया गया है? ये मटेरियल साइंस में प्रगति को लेकर के जारी किया गया है। अगला देखते हैं, 48 किलोग्राम के वर्ल्ड में कैडेट वर्ल्ड चैंपियन कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों अमन गुलिया। एक्चुअली में अमन गुलिया और सागर जगलान इन दोनों ने अभी हाल ही में कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हुई है, ठीक है, अपने अपने कैटेगरी में जीता हुआ है।
यहाँ पर अमन गुलिया ने जीता है 48 किलोग्राम की कैटेगरी में। तो क्वेश्चन में 48 किलोग्राम है, इस वजह से ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो 48 किलोग्राम की कैटेगरी में गुलिया ने जीता है, अमन गुलिया ने, और सागर जगलान ने जीता है 80 किलोग्राम की कैटेगरी में। किस खेल में जीता है? रेसलिंग के कंपटीशन में जीता हुआ है, कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2021 में। कहां पर आयोजित हुआ? बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित हुआ। दोनों ही इंडिया के हैं। अमन गुलिया ने ल्यूक जोसेफ्स को हराया है, अमेरिका के जो की हैं, और सागर जगलान ने हराया है किसे? मार्कलर रावली को, जेम्स मार्कलर रावली को। क्लियर? बिल्कुल। लास्ट सिक्स मंथ की ईबुक आई हुई है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। MZE10 कोड यूज कीजिएगा, सबसे ज्यादा फेमस ये ईबुक हुई है, आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। हर एक पॉइंट आपका इसमें कवर हो जाएगा। अगर आप लास्ट सिक्स मंथ की प्रिपरेशन करना चाहते हो और एक्चुअल में करंट अफेयर में स्कोर करना चाहते हो तो आपको ये ईबुक जरूर देखनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दलित बंधु योजना लॉन्च की? तो अभी हाल में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने दलित बंधु योजना लॉन्च की है। एक्चुअली में ये योजना नए तरीके से नहीं लॉन्च की गई है, एक योजना ऑलरेडी चल रही थी, उसी का नाम बदला गया है। इससे पहले इस योजना का नाम था दलित सशक्तिकरण योजना, तो इसी को अब चेंज करके दलित बंधु योजना कर दिया गया है। ठीक है, और कुछ और भी चीज़ें एडवांस की गई हैं इसमें। ठीक है, इस योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत जो पात्र दलित परिवार होंगे उनके खातों में 10-10 लाख रुपए की नगद मदद की जाएगी। तो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं करंट टाइम पर, के चंद्रशेखर जी, उन्होंने ये लॉन्च किया है। के चंद्रशेखर राव जी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं। तेलंगाना के बारे में जानिए, तेलंगाना दोस्तों ये रहा मैप में, कब अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से? 2 जून 2014 को अलग हुआ था, 29वें राज्य के रूप में अलग हुआ था। हालांकि अब भारत में कितने राज्य बचे हैं? 28। तेलंगाना अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? आंध्र प्रदेश से शेयर करता है, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से और कर्नाटका से अपना बॉर्डर शेयर करता है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी होती है हैदराबाद, जहाँ की हैं PV सिंधु। के चंद्रशेखर राव जी यहाँ के पहले और वर्तमान में CM हैं। तमिलीसाई सौंदरराजन यहाँ के गवर्नर हैं दोस्तों, और चीफ जस्टिस हैं हिमा कोहली। हिमा कोहली दोस्तों ये कौन सी चीफ जस्टिस हैं? ये पहली महिला चीफ जस्टिस हैं तेलंगाना के, इनका भी नाम आपको याद रखना है। तेलंगाना में जिलों की संख्या है 33, विधानसभा की संख्या है सीटों की 119, यहाँ पर लोकसभा में सीटें हैं 17 और राज्यसभा में सीटें हैं 7। अच्छा, तेलंगाना में दोस्तों विधान परिषद भी है, यहाँ पर विधान परिषद में सीटों की संख्या है 40, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। विधान परिषद कितने कितने राज्यों में है? तो विधान परिषद के लिए मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, एक ट्रिक बताया था, कुंभाट। ठीक है, कुंभाट आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पर K से क्या हो जाएगा? कर्नाटका। U से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। M से हो जाता है आपका महाराष्ट्र। B से हो जाता है बिहार। A से आंध्र प्रदेश और T से तेलंगाना। तो इतने राज्यों में है विधान परिषद भी। ठीक है, इतने राज्यों में द्विसदनात्मक है विधानमंडल। द्विसदनात्मक यानी विधानमंडल में भी दो सदन है, एक विधानसभा एक विधान परिषद। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो कार्यकारी अध्यक्ष दोस्तों बना दिए गए हैं अरमान गिरधर जी। ठीक है, अभी ये कार्यकारी हैं यानी कि अभी परमानेंट नियुक्ति नहीं हुई है, इनको अभी टेम्प्रोरी नियुक्त किया गया है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इससे पहले कौन थे? सुखबीर सिंह संधु जी थे, लेकिन दोस्तों सुखबीर सिंह संधु जी को अभी हाल ही में उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव बना दिया गया है, चीफ सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया गया है। तो याद रखना है, एक और क्वेश्चन यहीं से मिल जा रहा है आपको, उत्तराखंड का नया चीफ सेक्रेटरी किसे बनाया गया? सुखवीर सिंह संधू जी को, जो कि NHAI के अभी तक थे कौन? अध्यक्ष थे। ठीक है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा ये नई नियुक्ति की गई है। अरमाने गिरधर जी जो इसके सचिव हुआ करते थे, अब ये होंगे इसका अतिरिक्त प्रभार पा करके अध्यक्ष। ठीक है, NHAI के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली में। क्लियर, बिल्कुल। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और हाँ, इस समय बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं, जाकर के देखिए ऐप पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं आपको। सब जगह पर कूपन कोड वगैरह दिया गया है, हर एक चीज़ का डेमो भी है, मॉक टेस्ट का भी और भी चीज़ों का, कोर्सेज का, तो आप सब कुछ देख सकते हैं, उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का सभी क्वेश्चन फिर से कंप्यूटर से लिया गया है, कंप्यूटर आपका और अच्छे से इम्प्रूव होगा अभी धीरे धीरे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मेमोरी CPU और मेन मेमोरी के बीच में बफर का काम करती है?
अगला, व्हाट्सएप की खोज किसने की थी? HTML का पूरा रूप लिखिए यानी फुल फॉर्म। किस फाइल में किसी पेज पर जाने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? अगर किसी फाइल में किसी पेज पर अगर आपको जाना होता है तो किस शॉर्टकट का यूज किया जाता है? इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आप डिटेल में लिख सकते हो, आसपास के भी क्वेश्चन बता सकते हो, ठीक है। वीडियो को देख लियो, जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो, क्विज मिलेगी आपको MZT ऐप पर, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। जो भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही दिया करता हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। कौन सी वीडियो कब आनी है, कौन सी वीडियो आ रही है, किन किन टॉपिक पर वीडियो बननी है, ये सब चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पर बताया करता रहता हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।